नमस्कार दोस्तों, आप लोग बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आज। चूँकि फ्लावर मिल हमारे सारे बहुत सारे फ्रेंड है जो फ़ोन करते हैं कि फ्लावर मिल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लमें की सामना करना पड़ता है और उसके बाद किस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा दोस्तों। उससे पहले लेकिन मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोग से कि क्योंकि जब मैं चैनल को स्टार्ट किया था उस समय आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था मैं फ्लावर मिल जो कि मैं खुद का एक रन करता हूँ, तो उसमें बताया था कि जो भी हमारे बंधु भाइयों को प्रॉब्लम होती है फ्लावर मिल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उसको आइडिया दूंगा और किस टाइप से स्टार्ट करें उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बहुत ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा फोन में हमारे फ़ोन कॉल आने लगे हैं ना कि सारे लोगों को रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्त। आप लोग समझ सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे भाई लोग फ़ोन करते हैं, तो उतने लोगों को मैं क्या है कि रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो आप लोग से माफ़ी मांगूंगा और एक बहुत ही जल्दी मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दूंगा जिससे आप लोग को शेयर कर पाऊँ बहुत सारे कॉमन को। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, तो जो भी हमारे नए भाई लोग इस चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके वीडियो। सो आज मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर हमारे बहुत सारे भाई को डाउट है और क्वेश्चन करते हैं कॉल करने के बाद कि हम बिजनेस फ्लावर मिल बिजनेस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आएगा और बाद में क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो इसके बीच क्या किस किस टाइप का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, जब आप बिजनेस सोच लेते हैं और स्टार्ट करने के लिए ठान लेते हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ता है कि मैं किस जगह पर स्टार्ट करूँ। जगह बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर क्रिएट करता है, समझ रहे दोस्त, कि अगर आप लोग तो अगर आप लोग अच्छी जगह के सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को आगे चल के इन फ्यूचर्स का, नहीं मतलब जब बिजनेस स्टार्ट कर देंगे प्लांट का सेटअप कर देंगे उसके बाद जब मार्केट में रन करने के लिए बिजनेस को आप लोग उतरेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी प्लांट अगर भाई हमारे सेटअप करना चाहते हैं तो मिनिमम टाउन का जो मेन टाउन है और सिटीज़ जो छोटे छोटे नियर बाई होते हैं उसके कम से कम 10 किलोमीटर अंदर ही रखे, ना कि बिल्कुल ही गांव में फ्लावर मिल ओपन कर दे। उससे क्या हो रहा है ना कि हमारे पास कम से कम 50 ऐसे कॉल आए हैं जो कि अपने टाउन से काफ़ी दूर मीन्स 50 किलोमीटर दूर के आसपास वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना पड़ जा रहा है और इतना प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को कि उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम मिल पा रहा है। इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी और इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वो लोग को एक वैल्यूएबल कमाई जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो उनको मैंने राय दिया। तो आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नियर बाई 10 किलोमीटर के रेंज में ही आप लोग जगह का सिलेक्शन करें। वो आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हर एक चीज़ के लिए, माने उतना अगर मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्त, समझिए बात को। तो 10 किलोमीटर के रेंज में ही इस बिजनेस को आप लोग को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जगह आप सिलेक्ट कर लिए अच्छे से, उसके बाद मार्केटिंग कैसे करें, साथ में लाइसेंसिंग क्या है, इसका लाइसेंसिंग क्या है, किस किस टाइप का मार्केट में आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, कितना पूंजी लगेगा दोस्त, इसके बारे में आज मैं बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि फ्लावर मिल बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं और वो नियर अबाउट माने फेल होने का कगार में है। ओनली रीजन बिहाइंड इट कि वो लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर दे रहे हैं लेकिन एक तो उन लोगों के पास लेक ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज की कमी, इन द सेंस कि उसको मार्केटिंग नॉलेज की थोड़ा कम हो रहा है, साथ में है कि वो एक किस जगह पे करना है, लाइसेंसिंग का कोई इशू नहीं है। लाइसेंसिंग का जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा और मेरा वीडियो बना रखे हैं लाइसेंसिंग के ऊपर कि अगर फ्लावर मिल बिजनेस के बारे में आप लोग करना चाहते हैं स्टार्ट करना चाहते हैं तो लाइसेंसिंग क्या क्या लगेगा उसकी बिजनेस बना वीडियो बना रखे हैं, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं पूरी की पूरी। बेसिकली अगर आप लोग मिनिमम लाइसेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आकर फ्लावर मिल बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, एमएसएमई लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर एमएसएमई नहीं भी लेते हैं तो जीएसटी और फसाई अगर दो लाइसेंस लेते हैं तो आप रन कर सकते हैं और धीरे धीरे और जो इसका साथ में लाइसेंस है वो सब बन जाएगा आपको, लेकिन मैं राय दूंगा कि मिनिमम दो लाइसेंस से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ 10-15 हमारे बहुत सारे भाई है जो कॉल करते हैं कि बोलते हैं कि कम से कम 15-20 टाइप का लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जी नहीं बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली आप फसाई लाइसेंस ले और जीएसटी लाइसेंस ले बिजनेस स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप लोग को पता चल जाएगा ट्रेड मार्क लाइसेंस कब लेना है, एमएसएमई कब लाइसेंस लेना है, उद्योग केंद्र में कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, माने इस टाइप की बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। पहले आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए इस दो लाइसेंस के माध्यम से। तो
दोस्तों क्या है कि जब मार्केट बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं दोस्त हमारे, तो उनको प्रॉब्लम में आती है कि जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो कस्टमर का फीडबैक आता है कि आपका आटा मोटा है, आटा में कालापन सा रहे हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी जब स्टार्टिंग में। तो उसे घबराना नहीं है दोस्त। आटे में कुछ दिन के बाद क्या होता है कि दुकानदार आपका न्यू बिजनेस रहता है और न्यू ब्रांड रहता है तो कीड़े लग जाते हैं दोस्त। तो उससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अपने प्रोडक्ट को वहाँ से दुकान अपने वैल्यू को कम नहीं होने देना। ओवरऑल क्या है कि जब आपका मार्केट कब बनेगा, जब आप एक वैल्यूएबल बिजनेस पर बनेंगे पहले सबसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में सहना, मीन इन द सेंस कि आपको कोई लॉस नहीं करना है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जा रहा है दुकानदार से तो वहाँ से लेके आना है। और आपको कंटिन्यू विजिट करने करते रहना है, जो भी वीकली मेरा बिजनेस के ऊपर भी बना रखा हूँ मार्केटिंग कैसे करना है इसे आटे का, तो एक सप्ताह में फॉलोअप करते रहना है ताकि उसका अगर प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो वहाँ से आप टाइमली रिसीव कर ले और उसको रीमेक मैन्युफैक्चरिंग करके और जैसे भी आप उसको सर्कुलेट कर दे फिर जहाँ, या तो आपका जो कस्टमर्स हैं अच्छे कस्टमर्स हैं जो जल्दी जल्दी फास्ट सेलिंग में लग जाते हैं या कर देते हैं तो उसको आप लोग संपर्क कर लेंगे, तो आपका माल जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और आपका लॉसेस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। पूंजी आपका फंसेगा दोस्त, अगर आटे बिजनेस में आ रहे हैं तो पूंजी फंसेगा। कम से कम 100 ऐसे कॉल आए हैं एक महीने के अंदर मेरे पास जिनका पूंजी की वजह से, मार्केट में पूंजी फंस गया है उसकी वजह से वो लोग बिजनेस क्या करने वाले हैं कि बंद करने वाले हैं। सेटअप्स जो लगाए हैं कम से कम 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके उसको बोल रहे हैं कि मैं अब बेचना चाहता हूँ सर, मुझे कोई राय दे। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गाइड किया हूँ दोस्तों। तो आपको क्या है कि एक मार्केट में आपका पैसा बचाना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बचाना है और आपका जो कि मैंने उसको जो प्लांट सेटअप होता है, प्लांट सेटअप तो बचाना ही 100%, और जो कंस्ट्रक्शन होता है सेट बनवाना होता है उसमें दो चीज़ में आपको पैसा बचाना है और इस पैसा को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि देखो दोस्त आटा क्या है ना, आटा बिजनेस है फुल्ली की फुल्ली क्रेडिट जाता है 1 वीक टू 2 वीक मैक्सिमम 20 दिन 25 दिन 1 महीना भी कस्टमर कर देते हैं, डिपेंड अपॉन योर एरिया और कस्टमर्स। तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त क्या करते हैं कि नए माने ज़्यादा सेल की वजह से वो मार्केट में बाकी देते, तो मैं यही राय दूंगा आप लोगों को कि ऐसे ऐसे आप स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा भले कि किसको मैं कैसे जानूं कि ये मेरा किस टाइप का पैसा पेमेंट क्लियर कितने दिनों में कर देगा। तो दोस्त क्या है ना कि आप कुछ दिन पहले उसको 10 पैक 15 पैक 20 पैक देकर उसका पेमेंट का जो हिस्ट्री है वो चेक कर लीजिए आप कि किस टाइप का पेमेंट कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप बड़े बड़े पार्टी को ही माल दे, मिनिमम 10 बैग से ऊपर हो, ना कि छोटे छोटे दुकान में अपना माल प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वो लोग वैल्यू नहीं जान पाते हैं और आपका प्रोडक्ट पैसे फंसा लेंगे वो लोग धीरे। छोटे छोटे मार्केटर्स और बिजनेसमैन क्या होते हैं ना, जो दुकानदार होते हैं वो लोग माने टाइम लेते हैं बेचने में, तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा फंसा रहेगा। और आटे का बिजनेस मैंने बता रखा हूँ, आटे का बिजनेस में दोस्त आपका मार्केट में पूंजी फंसेगा ही 100% एश्योर है। तो इसीलिए आपको एक बैकअप लेके चलना है कि आपका 3 लाख से 4 लाख रुपया ओनली मार्केटिंग के लिए रखना है ताकि आपको कभी भी ऑफ की संभावना ना बने, आपका बराबर कलेक्शन होता रहे और आपकी बिजनेस रन करते रहें। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, अगर एक एक के मैं बारे में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्त। तो मैं राय दूंगा कि आप लोग जो बाकी दे रहे हैं मार्केट में उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए कि किस किस बंदे को देते हैं, ना कि आंख बंद करके आप बिजनेस स्टार्ट किए तो कंटिन्यू मार्केट में छिड़ते जा रहे हैं बाकी। तो उससे क्या होगा ना दोस्त कि आपका एक 2 लाख 3 लाख 4 3 लाख तक पूंजी ऐसे मार्केट में स्टॉक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब पेमेंट कलेक्शंस थोड़ी कम हो जाएगा और आपका डिमांड आने लगेगा तो आप क्या है कि सोचेंगे कि आप बिजनेस को छोड़ दे, पैसा फंसने लगेगा कंटिन्यू। जो आप पैसा दे रहे हैं टाइमली ना उसको भी टाइम पे माल नहीं दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका वैल्यू ख़राब हो जाएगा मार्केट में। तो आपसे माल क्यों लेंगे जब एक बार कस्टमर को क्या करेंगे आप, दुकान वाले शॉपकीपर को अगर लेट से डिलीवरी देते हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास किसके पास कितना पैसा फंसा है। उसको मतलब है कि अगर वो वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं और एक अच्छे दुकानदार हैं तो उनको टाइमली चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि अगर माल नहीं देंगे आप तो सेल क्या करेंगे, इसलिए आपके लिए वो 2 दिन 3 दिन वेट नहीं कर सकता है दोस्त। तो ऐसे ऐसे कस्टमर को आपको सिलेक्शन करना है और लिस्ट बनाना है। आप 10 से 15 ही कस्टमर पकड़िए जो कि रेगुलर बेसिस हो और आपका एक कस्टमर 30 बैग 20 बैग 50 बैग तक आपका लेने की कैपेसिटी रखता हो और पेमेंट बराबर करता हो। मैं स्टार्टिंग में आप ऐसा इस बिजनेस को कम से कम 2 से 3 महीना इतना ही कस्टमर के थ्रू कीजिए और कीजिए ताकि आपको मार्केट में पता चलेगा कि किस टाइप के लोग होते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को पता नहीं रहता, जब पेमेंट लेने जाते हैं उस समय लोगों का बिहेवियर और नेचर के बारे में पता रहता है तो चलता है दोस्त। तो इसके लिए मैं बताऊँगा
और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मार्केट में जो कि आप उधार दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर्स ऐसा नौबत ना आए कि इस बिज़नेस को बंद करें बाकी की वजह से, और मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेडिट होने की वजह से आपको इस बिज़नेस को बंद करना पड़े। तो मैं धीरे धीरे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक क्वेश्चंस और आंसर सीरीज रखूँगा जिसमें आप लोगों को सबके बारे में डिफाइन करूँगा। तो इस ये छोटा सा एक वीडियो बनाया हूँ मैं, इसको आप लोगों को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए बिजनेस को अपना स्टार्ट कीजिए और आगे की ओर ले जाइए। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।